Hello everyone, welcome to my fitness and classes, your anytime classroom. तो गाइस अभी हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के सेशन में 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को। अगर आपने पूरा वीक नहीं भी पढ़ा है या कहीं से पढ़ा भी है तो आपका रिविज़न हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सारा डाटा यहाँ पर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपका यहाँ से छूट जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखो शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आप फुल बेनिफिटेड हो सको। तो इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12 से लेकर 18 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव के लिए मंजूरी दी है? तो अगर पुरुष सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, तो उसको चाइल्ड केयर लीव, इसको हम लोग CCL भी बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव मिलेगा और इसका किस मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया है? यह है रक्षा मंत्रालय। और ये जो CCL है यह पहले एक लिमिट था कि अगर 40% तक का विकलांगता बच्चे में है तो बच्चे के 22 साल के उम्र तक ये छुट्टी मिलता था, लेकिन अब ये लिमिट हटा दिया गया है, अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें रेक्टिफाई किया गया है कि पहले जो मिनिमम लीव था वो 15 डेज का होता था CCL लीव, लेकिन अब इस मिनिमम डेज को घटाकर 5 डेज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किस नाम से पुस्तक लॉन्च की गई है? तो वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं और इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 2 वर्ष का हो चुका है। अब 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे एक बुक लॉन्च किया गया, उसका नाम था लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, LLL, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। इस बुक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया था और इस बुक में उनके द्वारा किए गए 330 कार्य, यानी वेंकैया नायडू के द्वारा किए गए 330 कार्यों का वर्णन है और इसके साथ ही जो उन्होंने 19 देशों में यात्रा किए हैं उसका भी उसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना आरंभ की है? मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य में आरंभ किया गया है? ये आरंभ किया गया मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री मदद योजना का आरंभ किया गया मध्य प्रदेश में और इसके तहत जो भी बच्चे जन्म लेंगे, यानी लड़के या लड़की जो भी हो, जन्म लेने पर 50 kg गेहूं और चावल दिया जाएगा, 50 kg गेहूं और चावल, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उस परिवार में तो 100 kg गेहूं और चावल प्लस बर्तन, ठीक है, जो भी बर्तन वो लोग यूज करते हैं खाना पकाने के लिए वो सब दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और चीज इन्होंने किया है कि टोटल 40 एकलव्य स्कूल का स्थापना इन्होंने किया है ताकि उनके शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के जनक का क्या नाम है जिनके जन्मदिवस के अवसर पर गूगल ने डूडल पेश किया है? तो इसरो के जनक का नाम है विक्रम साराभाई और इनके जन्मदिवस यानी 12 अगस्त को, 12 अगस्त को इनका जन्मदिवस है और उस दिन गूगल ने डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया और ये था इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में किस शहर में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स यानी वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 4th संस्करण लॉन्च किया? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 4th संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। और ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है, ये चलाया जाता है नीति आयोग और व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग और व्हाट्सएप के द्वारा मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है और इस बार का इसका थीम था वोमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या था? वोमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किसी एक योजना के तहत, जिस योजना का नाम आपको बताना है उसका दूसरा चरण है ये, ठीक है, और इसके तहत 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। ये कौन सा योजना है? ये है फेम इंडिया योजना। कौन सा योजना है? फेम इंडिया योजना।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है मेघदूत मोबाइल ऐप। क्या नाम है? मेघदूत मोबाइल ऐप। ये जो मेघदूत मोबाइल ऐप है, ये किसानों को हेल्प करेगा एटमॉस्फेयर को जानने में, क्या टेम्परेचर है, किस तरह का मौसम रहने वाला है, वर्षा कितना होने वाला है, कितना हुआ, ये सारे जानकारी इनको इस ऐप पर उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं उस राज्य में वहीं के बच्चों को दिया जाएगा लगभग 75% जॉब। ये डिसीजन लिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है, यानी स्क्रैप इंपोर्टर बन गया है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप इंपोर्टर बन गया है भारत। किसको पछाड़कर? तो किसको पछाड़ते हुए? दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी यानी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? तो चंद्रिमा शाह को। किसको बनाया गया? चंद्रिमा शाह। और ये होंगी फर्स्ट वोमेन यानी फर्स्ट फीमेल जो अध्यक्ष बनी है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद पीपुल्स प्लान अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? पीपुल्स प्लान अभियान, नाम आपको याद रखना है, प्लान का क्या नाम है, अभियान का नाम क्या है? पीपुल्स प्लान। ठीक है, तो यह है टोटल 16 प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि पीपुल्स प्लान अभियान शुरू किया जाएगा। और इसका दूसरा नाम भी है सबका विकास, सॉरी सबकी योजना सबका विकास। क्या नाम है इसका? सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक विकास योजना, यानी जितना भी ग्राम पंचायत है सभी के लिए एक विकास योजना यानी मॉडल होना चाहिए किस तरह से वो डेवलप किया जाए। ठीक है, इसका नाम है पीपुल्स प्लान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अवशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन है? यानी कौन सा ऐसा शहर है जहां पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है और पॉल्यूशन का मेन जो कारण है वो है खुले में डंपिंग और बर्निंग, यानी जो भी कूड़े कचरे होते हैं उसको खुले में आग लगा दो। ठीक है, या उसको कहीं पे भी ओपन ऐसे जगह में डंप कर दो जहां पे पब्लिक ज्यादा निवास करते हैं। तो ये कौन से शहर का है? तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ये है दिल्ली का कंडीशन। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का जो मेजर इशू है वो दिल्ली में अभी है, आपको देखने को मिल जाएगा, और मेन एक कारण यही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की एलम बाम, ठीक है एलम बाम वेलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये एलंग बाम वेलेंटिना कौन है? ये एलंग बाम वेलेंटिना, ये आप मत समझना किसी भी सेक्टर से ये नहीं है, ये एक छोटी सी बच्ची है। और ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ। और उस वीडियो में क्या हुआ था? उस वीडियो में जो रोड का चौड़ाकरण हो रहा था उसके दौरान जो साइड में पेड़ वगैरह थे उसको काटा जा रहा था। ठीक है, और यही देखकर वो रोने लगी और दिल से रोई, जिसके कारण से उनका जो नेचर के प्रति प्रेम था उस बच्ची का, इसको देखकर सब बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा। और सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इस कारण से ग्रीन एम्बेसडर इस लड़की को नियुक्त किया गया है। कहाँ का ये आपको बताना है, कहाँ का? यह है मणिपुर, मणिपुर में ऐसा देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत का स्थान क्या है? यह आपको बताना है। तो 17 स्थान में से भारत का स्थान है 13वां। किस चीज में? तो जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व का 17 देश, यानी टॉप 17 में जहां पे जल संकट हो सकते हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं,
इसमें से भारत का स्थान है 13वां, तो भारत का पोजीशन भी बहुत हद तक बुरा ही है। और अगर मैं भारत में बात करूं तो चेन्नई के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, तो आप समझ सकते हो आने वाले कुछ दिनों में यहां पे क्या हालत होने वाला है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल, ठीक है, कौन है मानव संसाधन विकास मंत्री, यह है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने किस IIT में एक टेक एक्स नाम का एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, क्या नाम है इसका, टेक एक्स, ठीक है, टेक एक्सपो आप बोल सकते हो इसको, या टेक एक्स, ठीक है, टेक एक्स, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया इनके द्वारा, तो ये किया गया था IIT दिल्ली में, कहां किया गया था, IIT दिल्ली में। और इस प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ था, ठीक है, ये टेक एक्स का आयोजन हुआ था, ये दो प्रोग्राम के, दो स्कीम के फ्लैगशिप के अंडर में हुआ था। दो, उसका नाम क्या है, उसका नाम आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रख लो, इम्प्रिंट, ठीक है, दो स्कीम के तहत ये लॉन्च किया गया था, एक है इम्प्रिंट और दूसरा है UAY, ठीक है। तो इम्प्रिंट और UAY ये दो प्रोग्राम, दो स्कीम है जिसके तहत टेकएक्स नाम का एक प्रदर्शनी किया गया। अब इम्प्रिंट का फुल फॉर्म आप लिख लो, ये है इम्प्रिंट का क्या है, यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, IMP, ठीक है, IMP से एक वर्ड है जिसका नाम है इम्पैक्टिंग, क्या नाम है इसका, इम्पैक्टिंग। R से क्या है, रिसर्च, ठीक है, उसके बाद IN से है इनोवेशन और T से है एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप एक बार फिर से पूरा सुन लो, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया इम्प्रिंट का फुल फॉर्म, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और दूसरा है UAY, ये है उच्चतर, UAY का क्या हो गया, उच्चतर आविष्कार योजना, क्या है, उच्चतर आविष्कार योजना, ये था दूसरा स्कीम। इस दोनों के तहत टेकएक्स नाम का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया IIT दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया था, तो 15 अगस्त से जस्ट पहले एक देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वो गीत कौन सा है, वो गीत है वतन, कौन सा है, वतन। और अभी ये रिलीज हो किया गया था, ये प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उनके द्वारा ये रिलीज किया गया था। और ये गाया किसके द्वारा गया है, ये जावेद अली के द्वारा गाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, वतन जावेद अली के द्वारा गाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता, डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता के विनर है अरांटजा पेन्ना पोपो, ठीक है, और ये अमेरिका स्थित जॉर्जिया की है, और इनको मिला है कौन सा पुरस्कार, डूडल फॉर द गूगल प्रतियोगिता का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्वच्छ नगर ऐप, क्या है, स्वच्छ नगर ऐप, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप याद रखना, स्वच्छ नगर ऐप, इसका नाम है स्वच्छ नगर ऐप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया था, अभिनंदन वर्धमान को, आप सभी इनसे वाकिफ हो इसलिए ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ये वही है जो अपने विमान के साथ पाकिस्तान में घुस गए थे और फिर वापस भी ये आ गए पाकिस्तान को, वापस इनको करना पड़ा था, तो अभिनंदन आप सभी इनका नाम जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस कब मनाया जाएगा, संस्कृत दिवस, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस ये मनाया गया 15 अगस्त को, कब मनाया गया, 15 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष के सावन की पूर्णिमा में हम लोग संस्कृत दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष के, याद रखना 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष के सावन की अंतिम पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, और इस बार जो अंतिम पूर्णिमा था वो था 15 अगस्त को, और इसी कारण से रक्षाबंधन भी आपका 15 अगस्त को था, 15 अगस्त को हम लोगों ने अपना आज़ादी का दिन भी मनाया और संस्कृत दिवस भी मनाया, और संस्कृत दिवस मनाया जाना 1969 से चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को,
वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अभी हम लोगों ने देखा था क्या मनाया था, हम लोगों ने 12 अगस्त को अपना जो इसरो के संस्थापक थे, ठीक है, कौन थे इसरो के संस्थापक, इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, उनका जन्मदिवस भी मनाया था। और इस दिन हम लोग युवा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, युवा दिवस। और युवा दिवस हम लोगों ने मनाना जो स्टार्ट किया था वो 2000 ईस्वी से किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 6 शहरों यानी भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और किस शहर की पहचान की है जिन्हें सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में जाना जाएगा। यानी 6 शहर का आपको नाम याद रखना है जिनको सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर के रूप में जाना जाएगा। ये कौन कौन से शहर हैं, ये हैं भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और एक शहर है हैदराबाद। तो ये टोटल हैं 6 शहर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन बैटरी का निर्माण किया है। तो रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने, तो यह है आईआईटी मद्रास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए साइंस के फील्ड से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयन बैटरी बनाया है, रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी बनाया है। जनरली जो हम लोग रिचार्जेबल बैटरी बनाते हैं वहाँ आयन की जगह हम लोग लिथियम यूज करते हैं, लेकिन भारत में लगातार लिथियम का जो भंडार है वह कम होते जा रहा है और इसी कारण से इसका कोई विकल्प ढूंढना जरूरी है और इस पर विकल्प ढूंढा जा रहा है और इसके जगह पे आयन जो एक बहुत ही स्टेबल सा प्रोडक्ट है, स्टेबल सा एलिमेंट है, उसको यूज़ किया जाना है और उसको यूज़ करने में वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको सस्ते और टिकाऊ रिचार्जेबल बैटरी अवेलेबल हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। गोगा बिल आपको इन शॉर्ट याद रखना है, गोगा बिल कहाँ है, यह है बिहार में, बिहार के कटिहार एरिया में है। क्या है नाम इसका, गोगा बिल, और इसको इस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल करने हेतु लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। यानी 300 हेक्टेयर भूमि इस वन विभाग में शामिल कर दिया जाएगा, तो आपको ये बताना है वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वो कौन सा है, वो है कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसको और 300 हेक्टेयर भूमि दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है। कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया गया है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने, किसने, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। यह एक पेपर स्ट्रिप आधारित किट है जो स्मार्टफोन से जुड़ी हुई होगी और ये जो आप ब्लड टेस्ट करेगा उसका कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान इसके निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है हर्षद पांडुरंग ठाकुर। कौन है, हर्षद पांडुरंग ठाकुर, यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को, यानी सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों के जो महंगाई भत्ते होते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी किए हैं। अब आपको यह बताना है कितना प्रतिशत बढ़ोतरी किया गया है, यह है 4%। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने किसी एक दशक यानी 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले पहले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। यानी कोई एक भारतीय खिलाड़ी है जिसने पिछले 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरा किया है और ये वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बने हैं पिछले 10 सालों में, तो ये कौन है, ये हैं विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेट के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के चेयरमैन के सिवान को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है? के सिवान कौन है? के सिवान है इसरो के चेयरमैन और इसरो इनको मिला है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। तो आपको यह बताना है किस राज्य ने इसका अनाउंसमेंट किया है? यह तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सरकार ने यह अनाउंस किया है कि के सिवान को दिया जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का घोषणा किया है? यानी ओबीसी को अब छत्तीसगढ़ में 14% से बढ़कर 27% का आरक्षण मिलेगा। और इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल आरक्षण 72% हो गया। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता है राज्य सरकार क्या सोचती है। हो सके तो आप 100% रिजर्वेशन दे दो ना, सब खुश रहेंगे अगर वहाँ पे रिजर्वेशन की इतनी ही ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हम लोग अपना आगे पढ़ते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल रिजर्वेशन जो है वह हो गया है 72% और वहाँ के ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा 27%। अगला क्वेश्चन है, 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर 3 लोकसभा क्षेत्रों के बीच कम से कम कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? यानी नरेंद्र मोदी ने अपने जो 73वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण था उसमें इन्होंने ये अनाउंस किया कि हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो भारत के पहलवान है दीपक पुनिया, इन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों के मन में देश के प्रति प्रेम जगाने हेतु अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? यानी किस राज्य में अब देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाएगा? तो ये है दिल्ली, दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? यह है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, माइक हेसन ने आईपीएल के किस टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो माइक हेसन आईपीएल के किस टीम के कोच थे? तो ये थे किंग्स 11 पंजाब के कोच और इन्होंने अब दे दिया है इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चामोली जिले के माना गांव को हेरिटेज विलेज बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है? यानी यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, माना गांव कहाँ है? तो माना गांव है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये कहाँ पड़ता है? तो माना गांव पड़ता है उत्तराखंड के चामोली जिले में और इसको बनाया जाना है हेरिटेज विलेज। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में हेरिटेज विलेज किस विलेज को बनाया जाने की घोषणा की गई है? तो यह माना गांव उत्तराखंड की और इसके लिए 4 करोड़ रुपये निवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तो इसका शुभारंभ किया गया है रामविलास के द्वारा, रामविलास पासवान। ये हैं हमारे खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री और इन्होंने अनाउंस किया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? यह है शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो आयुष्मान खुराना की फिल्म है अंधाधुन, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया 66वें फिल्म पुरस्कारों के तहत। और आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल प्लस आयुष्मान खुराना, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने समझौता एक्सप्रेस के बाद जोधपुर से कराची के बीच चलने वाली कौन सी एक्सप्रेस सेवा बंद कर दी है? तो जोधपुर से कराची के इन दोनों के बीच कौन सा एक्सप्रेस सेवा था? ये था थार एक्सप्रेस, जिसको बंद कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान के और भारत के बीच में थार से एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें बंद कर दी गई है और
दोनों देशों ने अपने तरफ से बंद का ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की याद में किस पड़ोसी देश ने 1000 घी के दीपक जलाए हैं? तो कौन सा वो पड़ोसी देश है? वो है भूटान, जिसने सुषमा स्वराज के आत्मा की शांति के लिए 1000 घी के दीपक जलाए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने सेकेंड हैंड कारों का कारोबार करने वाली ऑनलाइन फर्म कार्स24 में निवेश करने की घोषणा की है? कार्स24 एक कंपनी है जो सेकेंड हैंड कारों को डील करता है। अब आपको यह बताना है किस खिलाड़ी ने इसमें निवेश करने का फैसला किया है, तो यह है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है? रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ से रेस का फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेस का फुल फॉर्म है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सेलेंस, ठीक है, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सेलेंस, ये है रेस का फुल फॉर्म जो स्टार्ट किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चीन की किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनियस लॉन्च किया है? हारमोनियस लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा, और यह है न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। यह हुआवे कंपनी, आप जानते हो ये चाइनीज कंपनी है और गूगल और एप्पल के साथ इसका अभी रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, गूगल के साथ मेनली इसका झगड़ा हो गया है जिसके कारण से अब ये एंड्रॉयड वर्सन को भी यूज नहीं करेगा और ये अपना अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रहा है जिसका नाम है हारमोनियस, ठीक है। और इसके साथ ही अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या सालों में ये अपना न्यू जो गूगल मैप आप यूज करते हो उसी तरह से न्यू मैप भी लॉन्च करने वाला है ये कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद किसे कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नियुक्त किया गया है राहुल गांधी के रेजिग्नेशन के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई है? तो 3000 प्रति महीना पेंशन मिलेगा 60 वर्ष के उम्र के बाद, तो इसका अनाउंसमेंट इस बार के बजट में ही हुआ था। ये योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और इस योजना के तहत जो बेनिफिशरीज होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक डैश को पिछले 56 साल में केंद्र से लगभग 51,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तब भी वह प्रशासित क्षेत्र स्वास्थ्य पढ़ाई और रोजगार में पिछड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्षेत्र है कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, रोजर्स कप 2019 का खिताब किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? रोजर्स कप 2019 का खिताब जीता गया है बियांका एंड्रेस्कू के द्वारा। बियांका एंड्रेस्कू जो कनाडा की एक प्लेयर है, इनके द्वारा जीता गया है रोजर्स कप 2019 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो 13 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अंगदान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंगदान दिवस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की प्रमुख तेल और गैस कंपनी बीपी किसके ईंधन खुदरा नेटवर्क कारोबार में 49% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ठीक है, बीपी किसके, यहाँ पे नहीं, बीपी के, ठीक है, बीपी कंपनी है कहाँ की, यह है ब्रिटेन की कंपनी, और इस कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीदा जाएगा किसके द्वारा? यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डैश ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली। तो फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ किसके द्वारा ली गई है? यह मदन बी लोकुट के द्वारा। किसके द्वारा? मदन बी लोकुट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस राज्य की राज्यसभा के लिए नामांकन किया है? यानी किस राज्य से राज्यसभा के लिए वो नामांकित होंगे? कौन? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो वह राजस्थान से उन्होंने अपना नामांकन किया है।
अगला क्वेश्चन है, 19 वर्ष के संघर्ष के बाद बीसीसीआई ने किस राज्य को क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता दे दी है? यह है उत्तराखंड, जिसको बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता दे दिया गया है 19 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एयरलाइन उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो कौन सी वो एयरलाइन है जिसने उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने का गौरव हासिल किया है? यह है एयर इंडिया, और यह भारत की पहली ऐसी एयरलाइन जिसने उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किसने CDS के नए पद की घोषणा की है? CDS होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होने वाला है, जो अभी होते हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति से जस्ट नीचे हो जाएंगे ये, यानी ये हो जाएंगे वर्किंग अध्यक्ष, सॉरी एक तरह से वर्किंग चीफ, जो तीनों सेनाओं को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का पद जो है इस सेंस में वह बिल्कुल ही गॉन हो जाएगा, क्योंकि ये CDS जो होने वाला है ये रिपोर्ट करेगा PM को। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का जो हम लोग पढ़ते हैं तीनों सेनाओं का चीफ, वो पद भी खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ इस तरह से अभी नॉमिनेटेड हैं वैसे ही नॉमिनेटेड पावर में रह जाएंगे, और ये मेन पावर यूटिलाइज किया जाएगा PM के द्वारा डायरेक्टली CDS के थ्रू। तो इसका अनाउंसमेंट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक देश के सभी घटों ने घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की है? जल जीवन मिशन एक ऐसी योजना है जिसके तहत सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। तो कब तक ये सफल हो जाएगा? इनका यानी मोदी जी का कहना है ये 2024 तक करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलन को किस IPL टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैकुलन को कोच नियुक्त किया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स का। किसका किया गया है? कोलकाता नाइट राइडर्स का। जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है ब्रेंडन मैकुलन, उनको इसका कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रवि शास्त्री को किस वर्ष तक टीम इंडिया का दूसरी बार मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यानी दूसरे टर्म के लिए ये अब मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। कौन? रवि शास्त्री। तो 2021 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की फिजिकल डिसेबिलिटी टीम ने किस देश की टीम को हराकर फिजिकल डिसेबिलिटी T20 वर्ल्ड कप सीरीज जीता है? तो भारत की फिजिकल डिसेबिलिटी टीम ने इंग्लैंड के डिसेबिलिटी टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप सीरीज जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ने किस वर्ष से हाथी के दांत से बने सामान का कारोबार बंद करने की घोषणा की है? यानी सिंगापुर अब 2021 के बाद से हाथी के सामानों पर पूरी तरह से बैन लगा देगा, और कोई भी हाथी के दांतों से बने सामान का कारोबार वहां पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने देश में डाटा सेंटर खोलने के लिए किस कंपनी के साथ करार या डील किया है? तो रिलायंस जियो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। क्या चीज़ करने के लिए? तो डाटा सेंटर खोलने के लिए। अभी आपको बता दें, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि अब भारत में वह गीगा फाइवर को भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और जियो गीगा फाइवर 5 सितंबर से लॉन्च हो जाएगा, 5 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। और डाटा सेंटर खोलने के लिए, जो भी डाटा सेंटर खोलना है रिलायंस जियो को, उसके लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, यानी टोटल 61 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। जो वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो मैंने आप तक पहुँचाने का कोशिश किया। आई होप कि इससे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर करने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर लो, और कमेंट भी करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।